आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये है ब्रेड जिसे बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिया गया है। साथ ही ये आलू है जिसे मैंने छिलके धुल के रख लिया है। सो यस, जैसे कि आपने हमारा टाइटल देखा होगा कि हम आज कटलेट स्नैक बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन स्नैक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम आलू बॉईल कर लेंगे। कटलेट बनाने के लिए सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहले बेसन, बेसन 250 ग्राम हमने लिया है। साथ ही हमने आलू को बॉईल कर लिया है। हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, इसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे जो हम बेसन में डालेंगे। ब्रेड, ब्रेड को हमने क्रश कर लिया है, अब हम इसे पीस के पाउडर बना लेंगे। और जार, एक जार में हमें मसाला पीसना है और पानी। तो चलिए शुरू करते हैं कटलेट बनाना। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा पानी, जितना आपको मिक्स करने में इजी हो, और इसे हम पीस लेंगे। ब्रेड हमने पीस के पाउडर बना लिया है और हमने मिक्सर भी अपना तैयार कर लिया है जो हमें बेसन में डालना है। तो अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे। कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें आलू भी हमने मैश कर लिया है। अब हम आलू इसमें फ्राई करेंगे। सबसे पहले ऑयल, ऑयल गर्म हो गया तो हम इसमें 5 फोरन डालेंगे। फिर इसमें हम लोग मैं ऐड करेंगे लाल सूखी मिर्च, हरी मिर्च, अनियन और 2 चम्मच मसाला। इसमें मैंने एवरेस्ट का मीट मसाला यूज़ किया है। इसे खूब अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें आलू ऐड कर रही हैं। आलू ऐड करने के बाद इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। इसे हमने पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है, माय ऑल टाइम फेवरेट। आप चाहो तो आप सॉस के साथ या जिससे मन उसके साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है, मैं आपको खा के बताती हूँ थोड़ा। मैंने एक बाइट लिया। ये काफ़ी देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वाह, बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग दोस्तों, ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।